Okay, so if we have content in our table, for example, जो हमारी टेबल थी उसको हमने देखा था यूज डेटाबेस हो गया सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम 12CS हमारी टेबल थी, इसमें ये हमारे पास कंटेंट था. ओके नाउ इसमें हम क्या चाह रहे थे कि ऑर्डर बाय हो जाए. ये अभी सभी लोग जो जितनी भी एंट्री है ये रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन हमको इन्हें किसी कस्टम ऑर्डर में जो है हमको डिस्प्ले करना है. तो वो कस्टम ऑर्डर हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्लॉज है ऑर्डर बाय. तो जो भी हमने सेलेक्ट कमांड दी है, वाट एवर इट इज, ओके, जो भी हमने सेलेक्ट कमांड दी है, सेलेक्ट कॉलम्स जो भी आपने दिया हुआ है, फ्रॉम टेबल जो भी आपने टेबल नेम दिया हुआ है, और व्हाट एवर द कंडीशन, ठीक है, ये आप लगा लीजिए. पहले अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप चाहते हैं कि किस उसमें वो कंप्लीट हो, ऑर्डर में डिस्प्ले हो, तो लास्ट में आप दे देंगे सिंपली ऑर्डर बाय. और ऑर्डर बाय किसी पर्टिकुलर कॉलम के नेम पर आप देंगे, ठीक है. तो वो कॉलम का, जिस कॉलम के रिगार्डिंग आपको देना है वो आप दे देंगे. और उसके बाद आप ASC फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड DESC फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको देना होगा. और अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ये प्रिंट होगा या डिस्प्ले होगा बाय डिफॉल्ट. ओके, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है देन यू हैव टू मेंशन DESC. ओके, तो लेट्स ट्राई दिस कि हमारे जो है उस तरीके से ये वर्क करता है कि नहीं. अभी ये रोल नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में है. आई वांट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम, मींस इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम. आई सिंपली यूज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, वेयर लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऑर्डर बाय. सारा कंटेंट मेरे को चाहिए इसलिए मेरे को रोज फिल्टर नहीं करनी है, इसलिए वेयर नहीं लगा रहा हूँ. ऑर्डर बाय, और मुझे वो कॉलम नेम दे देना है जिसके ऑर्डर में मुझे वो डिस्प्ले चाहिए. तो अभी ये जो रिजल्टेंट आप देखेंगे ये ए से लेके और वी तक पूरा आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए. देखेंगे आप रोल नंबर और एडमिशन नंबर या बाकी जो भी कंटेंट थे वो आगे पीछे हो गए, स्टूडेंट नेम के ऑर्डर में ये डिस्प्ले हो गए सारे. आप इस तरीके से अपने रिजल्टेंट को देख सकते हैं. अगर आप चाहें तो इसे एडमिशन नंबर के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं. तो ये एडमिशन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे. असेंडिंग ऑर्डर हमने दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो इस तरीके से अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो DESC में आगे ऐड कर दूंगा. तो सपोज वो DESC ऑर्डर में जो भी असेंडिंग ऑर्डर है उस ऑर्डर में मेरे को एडमिशन नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है, या कोई भी कंटेंट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ दिस इज द थिंग कि आपने सिंपली कॉलम लिस्ट बनाया और उसके बाद टेबल और कंडीशंस और फील्ड नेम. ओके, किस कॉलम के बेसिस पे उसको आपको करना है, यह हो गया, ठीक है. ये नोट हमने पढ़ लिया है. असेंडिंग ऑर्डर के लिए ASC और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC हम यूज करेंगे. हम मल्टीपल कॉलम्स पर भी डेटा जो है का डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है. मल्टीपल कॉलम्स का मतलब है आप दो कॉलम्स पे इफेक्ट करना चाह रहे हैं ऑर्डर बाय जब हम लगा रहे हैं, ठीक है. तो सपोज ऑर्डर बाय कॉलम 1 और फिर आपने लगाया कॉलम 2, तो सबसे पहले कॉलम 1 में ये ऑर्डर कर देगा. अब कुछ ऐसी एंटिटी हो सकती है जो कॉलम 1 के बेसिस पे आपको क्या करेंगे, उसमें सेम वैल्यूज होंगी, तो उनमें फिर आगे फर्दर किस बेसिस पे आपको उनको जो है डिस्प्ले करना है उसके लिए आप कॉलम 2 डिस्प्ले कर सकते हैं. एंड देन
अगर कॉलम टू भी आपके पास सेम वैल्यू है तो फिर आप आगे कॉलम थ्री तक भी जा सकते हैं। इस तरीके से आप फर्दर मल्टीपल कॉलम्स में ऑर्डर बाई कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सेलेक्ट ऑर्डर स्ट्रिक्ट फ्रॉम टेबल है, यह कुछ एक टेबल है। इसमें आप ध्यान से देखिए, हमारे सब्जेक्ट ग्रुप और जेंडर में मैंने कोड बना रखे हैं, जैसे 01 CS और 02 हिंदी दो है, और इसके अंदर भी CS कॉमन है, उसके अंदर भी दो चीजें हैं, गर्ल और बॉय, और बॉय और गर्ल के अंदर भी नेम डिफरेंट है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ऑर्डर रोल नंबर की इसी हिसाब से की गई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी वाले बच्चों को पहले रखना चाहता, ठीक है, तो सबसे पहले मैं कर देता ऑर्डर बाय सब्जेक्ट ग्रुप, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, तो 02 पहले आ जाएगा, 01 बाद में आ जाएगा। इसके बाद मैंने कहा कि मेरे को जो है ऑर्डर बाय, पहले गर्ल नहीं, पहले बॉयज के नेम चाहिए, फिर गर्ल के नेम चाहिए, तो ये भी 02 बॉय है, तो इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। और फिर मैं चाहता हूँ बॉयज में जो नेम है वो ए से ही शुरू हो, तो मैं किस तरीके से आपके डिटेल्स डिस्प्ले करूंगा। सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम 12 CS, ठीक है, ऑर्डर बाय, सबसे पहले मेरे को किस में करना है, सब्जेक्ट ग्रुप में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ग्रुप ऑर्डर बाय सब्जेक्ट ग्रुप, उसके बाद मेरे को करना है जेंडर में, एंड देन मेरे को करना है स्टूडेंट में। और सब्जेक्ट ग्रुप क्योंकि गर्ल्स में पहले चाह रहा हूँ, वो हिंदी पहले चाह रहा हूँ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने ये कर दिया, क्योंकि कोड मेरा हिंदी का बाद में है, जेंडर भी बॉयज का कोड बाद में है, तो उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। और स्टूडेंट नेम को स्पेसिफाई अब आपको करना पड़ेगा ASC, क्योंकि आपने हर एक को स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो यहाँ बाई डिफॉल्ट वाला, अगर एक में चला रहे तो कम चलना पड़ेगा, अगर मल्टीपल में ले रहे हैं तो आप उसको डिफाइन कर दीजिए, और आपका रिजल्टेंट आपके कॉलम्स के सामने फिल्टर होके आ जाएगा। देखें, पहले हिंदी में बॉय, फिर हिंदी में गर्ल, और ये भी जो सेक्शन था, इतना सेक्शन देखिए, इस सेक्शन में भी A टू V है, ऐसे ही इस सेक्शन में भी पूरा जो हिंदी का सेकंड सेक्शन है उसमें भी A टू S है, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में, जो असेंडिंग ऑर्डर में हमने किया। ऐसे ही बॉयज में CSK देखिए, इतना पहले A टू V है, एंड देन गर्ल्स के लिए भी A टू V है। तो इस ऑर्डर में हम सिंपली मल्टीपल सिलेक्शंस करके वो परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी कोई एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और उस एक्सप्रेशन के बेसिस पर भी हम उसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं, ठीक है। पहले वो एक्सप्रेशन आपका कैलकुलेट होना चाहिए, ओके। चलिए देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक्सप्रेशन दे लीजिए, सपोज आपका टेबल है, ये आपका टेबल है, इसमें आप हमको क्या करना है, इसमें हमको एडमिशन नंबर पे, सपोज क्योंकि ये बड़ा सा नंबर दिख रहा है, इस पर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लगा देता हूँ, और सपोज इसको प्रिंसिपल अमाउंट मान लेता हूँ, तो इसका एक इंटरेस्ट बना देता हूँ, या एडमिशन नंबर का कोई फैक्टर बना देता हूँ, और उसके बेसिस पर मैं इसको ऑर्डर बाई कर सकता हूँ। सिंपली क्या कीजिए, सेलेक्ट, आपको क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, एडमिशन नंबर चाहिए, और एडमिशन नंबर में मैंने जो एक्सप्रेशन लगाया इनटू 35% का, ठीक है, 35% कितना होगा वो, और इसको चाहे तो कॉलम भी दे सकते हैं एज, ये हमने आपको बताया हुआ है न्यू करके, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फ्रॉम टेबल हो गया आपका 12 CS, ठीक है, और ऑर्डर बाय सिंपली हमने कर दिया किसके बेसिस पे, एडमिशन नंबर इनटू 35/100 के बेसिस पे असाइनमेंट, ठीक है, सिंपल। जिसका कैलकुलेशन पहले आएगा
ऑब्वियसली एडमिशन नंबर का फैक्टर है, तो ये एडमिशन नंबर के भी ऑर्डर में आ गए, लेकिन आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऐसा है जो आगे पीछे हो सकता है, तो इसके बेसिस पे ये जो है ऑर्डर आपके आके आगे। ओके, इस तरीके से ये वर्क आपका करता है, आप ऑर्डर बाई परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी कस्टम ऑर्डर में जो भी वैल्यू है उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कस्टम सॉर्ट ऑर्डर भी बना सकते हैं, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के बाद। ठीक है, एक कस्टम ऑर्डर भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा जो कॉलम बनेगा ऑर्डर बाई के आगे आप फील्ड लिखेंगे, और फील्ड के अंदर यहाँ पर आपका कॉलम नेम होगा, और कॉलम नेम के बाद आप जिस जिस वैल्यू को पहले लाना चाह रहे हैं वो वैल्यूज आपकी उस ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल हो गई 12 CS, एक्सक्यूज मी 12 CS, ऑर्डर बाय फील्ड, फील्ड नेम यानी कि कॉलम नेम। अब इसमें जो वैल्यूज है वो मुझे पहले चाहिए। ठीक है, सपोज मेरे को ये संदीप सिंह नाम दिख रहा है, संदीप सिंह का पहले चाहिए। इसके बाद सपोज गोपेश शर्मा, कोई भी ऑर्डर मैं डिसाइड कर दे रहा हूँ, तीन का एक बना देता हूँ, एक कोई और ले लेता हूँ, सपोज निधि चौधरी। ठीक है, तो ये इस ऑर्डर को मैंने स्पेसिफाई कर दिया जिस भी आप कस्टमाइज ऑर्डर में आना चाहते हैं, और इनकी डिटेल्स उस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले इनकी सारी वैल्यूज आ गई, और लास्ट में ये तीन जो वैल्यूज है ये आपकी स्पेसिफाइड अलग हो गई। मीन्स फील्ड ये रहा, तो ये जो है ये फील्ड पहले आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो लास्ट में वो वैल्यू जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनको हमने, यानी कि जब वो टेबल्स आपकी यहाँ से हो रही है तो इन फील्ड्स को फिल्टर करती जा रही है, इन फील्ड्स को उसने नहीं लिया, और लास्ट में उनको कस्टम ऑर्डर में आपका रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम उसको कस्टमाइज्ड ऑर्डर में भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कर सकते हैं। नाउ इसके बाद आता है द टर्म एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ रोज पर या ग्रुप ऑफ टपल्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो टपल्स हैं, अभी तक हम जो सेलेक्ट यूज कर रहे हैं और उसमें वेयर लगा रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर हर रो को आपको एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है या यूज कर रहा है। तो एग्रीगेट फंक्शन ऐसे हैं जो आप सिर्फ कॉलम नेम पर लगाइए, और उस कॉलम के अंदर में जितने भी वो वैल्यूज फिल्टर होके आएंगी उन पर वो परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो सिंपली आप लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं कि सपोज एडमिशन नंबर का मेरे को सम चाहिए, सम जितने भी एडमिशन नंबर है बस सपोज सम चाहिए From 12 CS। ठीक है, जैसे नाम बता रहा है। ठीक है, टोटल इन सारे कॉलम्स का सम आपने डायरेक्टली निकाल लिया, इतना आया। ठीक है, आप एवरेज निकाल सकते हैं कलेक्टिवली, एवरेज ऑफ एडमिशन नंबर फ्रॉम 22,096 के आसपास का एवरेज है। आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ दिस एंड मिनिमम भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा काम का आपके सामने एग्रीगेट फंक्शन है जिसका नाम है काउंट। सेलेक्ट सपोज आपको पता करना है कि सपोज रोल नंबर में टोटल कितनी एंट्री है। ठीक
ठीक है, डिस्टिंक्ट एंट्री आएंगे, रिमेम्बर, ठीक है। काउंट स्टूडेंट नेम में कितनी एंट्री है, काउंट एडमिशन नंबर में कितनी एंट्री है, काउंट सब्जेक्ट ग्रुप में टोटल कितनी एंट्री है, और काउंट जेंडर में टोटल कितनी है, ठीक है। और ठीक है, तो आपको जैसे कि बता रहा है कि टोटल 38 एंट्रीज, क्योंकि 38 स्टूडेंट हैं तो सभी में टोटल 38 एंट्री। अब आपको चाहिए कि डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी है, यानी कि ऐसी जो डुप्लीकेट ना हो या कोई भी वैल्यू द्वारा नहीं आया, तो आप सिंपली कीवर्ड यूज करेंगे डिस्टिंक्ट। पहले के तीन में रोल नंबर में 38 38, क्योंकि ये सारे तीनों कॉलम यूनिक वैल्यूज थे, लेकिन सब्जेक्ट ग्रुप में और जेंडर में केवल दो ही कैटेगरीज में वैल्यू एंट्री हुई है, तो वो देखिए डिस्टिंक्ट में केवल दो आपको आंसर में मिल गया। तो ये पांच हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है जो कि आपको यूज कर सकते हैं। इसमें एवरेज और सम तो यूज होते ही है, लेकिन मैक्स मिन भी, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल जो है हमारे वो है काउंट, क्योंकि कई बार हमको काउंटर्स लगाने होते हैं, जैसा कि आपने पाइथन प्रोग्रामिंग में भी देखा होगा, सिंपली हमको काउंटर्स लगाने होते हैं, तो हम सिंपली कोई भी कंडीशन अपना लगा सकते हैं। जैसे ये हमारी टेबल है, मेरे को जैसे चाहिए कि हिंदी में टोटल कितनी गर्ल्स है, ठीक है, सीधा सा क्वेरी है, तो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक, मतलब जो भी डिटेल्स आए हैं, ऑल काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम 12 सीएस, ठीक है, और इसमें लिख दो आप कोई भी इसका नाम दे दो, एच नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सपोज इस तरीके से मैंने यूज कर दिया काउंट एस्ट्रिक। अब आपको ये तो आपका कॉलम नेम फील्ड हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये फील्ड हो गया, फ्रॉम टेबल नेम हो गया, आपको क्या करना है, वेयर लगाना है, वेयर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ग्रुप तो हिंदी सेट करना है और जेंडर गर्ल सेट करना है, तो वेयर सब्जेक्ट ग्रुप इक्वल्स टू 0 टू हिंदी एंड जेंडर इक्वल्स टू 01 गर्ल, जो भी आपने कोडिंग किया हुआ है उसके हिसाब से टोटल 6 गर्ल्स आते हैं, ओके हिंदी में। अगर मैं बॉयज को देखना चाहूं तो मैं अपना सिंपली क्वेरी इस हिसाब से चेंज कर सकता हूं, फाइव बॉयज आर देयर, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम जो अपना काउंट फंक्शन है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल चीज है। और एक दो एग्जांपल और आप इस तरीके से समझ सकिए, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका सपोज एडमिशन नंबर 18,000 से 22,000 के बीच में आ रहा है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, तो सिंपली आप काउंट एस्ट्रिक लगाएं फ्रॉम आपकी जो टेबल है वो है 12 CS, और सिंपली आपने बताया कि आपका एड जो भी क्राइटेरिया है एडमिशन नंबर बिटवीन 18,000 टू 22,000 के बीच में, अगर कितने बच्चे आपके, तो टोटल 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं आउट ऑफ 38 जिनका एडमिशन नंबर 18,000 टू 22,000 के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। काउंट बहुत ही हैंडी टूल है, बहुत अच्छा टूल है, तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करें, ठीक है। तो एग्रीगेट फंक्शंस हो गए, ठीक है। नाउ एसक्यूएल फंक्शंस, तो जैसे हमने पता किया कि सिंगल रो फंक्शंस है और मल्टीपल या ग्रुप फंक्शंस है, जो कि अभी हमने
परफॉर्म किए, ये एग्रीगेटेड वैल्यू जो भी है वो आपके निकालते हैं। नाउ ग्रुप बाय, ठीक है, तो ग्रुप बाय बहुत ही बेहतरीन एक कंडीशन है जहां पर वो सारे उस तरह के रिकॉर्ड्स यानी कि रोज को कंबाइन कर देता है जिनकी एंटिटीज एक ही जैसी हो, ठीक है, जो कि आइडेंटिकल वैल्यूज करते हैं, तो आप उसे सिंपली एक पर्टिकुलर फील्ड या ग्रुप आप कह सकते हैं, ठीक है, तो इससे समरी आप डायरेक्टली कॉल आउट कर पाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने ये सारी चीजें निकाली, ये कि ग्रुप सब्जेक्ट ग्रुप हिंदी में गर्ल्स निकालना है, तो मैं ग्रुप बाई अगर लगाता हूँ तो सेलेक्ट करता हूँ ग्रुप बाई है, तो एग्रीगेट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं ग्रुपिंग में, फ्रॉम 12 सीएस, ठीक है, ग्रुप बाई मैंने कर दिया, ग्रुप बाई मान लीजिए सब्जेक्ट, ठीक है, तो देखिए इसमें आपको तुरंत बता दिया, आप चाहे तो इसके साथ नाम भी ले सकते हैं पहले कि जिसका आपको आइडिया लग जाए, तो सब्जेक्ट ग्रुप आप साथ में ले लें, ये जरूरी है ताकि पता चल जाए किस सब्जेक्ट ग्रुप के कितने वैल्यूज आपके पास में है, ठीक है। तो देखिए तुरंत बता दिया कि सीएस में 27 स्टूडेंट्स, हिंदी में 11 स्टूडेंट्स आते हैं, सिंपली सिंपल कमांड मैंने लगाई, एग्रीगेट फंक्शन काउंट लगाया, ठीक है, और जितनी भी एंट्रीज उसमें आई और सब्जेक्ट ग्रुप से सिंपली मैंने उसको कर दिया। अगर सब्जेक्ट ग्रुप की बजाय मैं जेंडर से कर देता तो आप देखते कि जेंडर वाइज भी रेशियो आ गया, अच्छा सॉरी सब्जेक्ट ग्रुप ऊपर दे रखा है, तो इसको मैं यहाँ पर जेंडर से मैंने ग्रुप किया कि जेंडर ही मेरे को देना पड़ेगा। ये इस तरीके से देखिए गर्ल्स आर 12 बॉयज आर 26, तो इस तरीके से बहुत ही हैंडी रिपोर्ट, आप अपने डेटाबेस में आपने कुछ नहीं किया, सिंपली क्वेरी परफॉर्म की और उस क्वेरी के बेसिस पे आपके पास आउटपुट आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ ग्रुप में हम नेस्टेड ग्रुप्स को भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड ग्रुप्स को अब हम कैसे यूज करेंगे, नेस्टेड ग्रुप्स का मतलब आप एक के बाद एक दूसरा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे ऑर्डर बाय में मल्टीपल कॉलम्स में था, ऐसे ही ग्रुप बाय में भी आप मल्टीपल कॉलम्स में भी जो है अपना परफॉर्मेंस यूज कर सकते हैं। सिंपली सेलेक्ट जेंडर और सब्जेक्ट ग्रुप दोनों ही मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है, और पहले सब्जेक्ट ग्रुप से मैं इसको ग्रुपाई करता हूँ और उसके बाद जेंडर से, ठीक है, तो देखो कॉलम्स हो गए हमारे ये, ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप जेंडर और उनके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं उसका काउंट आ जाएगा, फ्रॉम टेबल नेम आपका ये हो गया, ठीक है, ग्रुप बाई पहले ये कॉलम से मैंने किया और फिर ये कॉलम से मैंने इसको परफॉर्म किया और सिंपली नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। और जितनी कैटेगरीज बन रही थी वो मैंने परफॉर्म कर ली, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ग्रुप में सीएस के अंदर भी दो कैटेगरी हो रही है जेंडर्स की, गर्ल एंड बॉय एंड देन द डिस्टिंग्विशमेंट 6 and 21, एंड सेम विद द हिंदी ग्रुप, हिंदी के अंदर जेंडर के भी दो ग्रुप, गर्ल ग्रुप बॉयज ग्रुप एंड देन 6 and 5। तो इस तरीके से हम इसको डेटा को बहुत ही जो अपने हैंडी रिपोर्ट्स हैं यूजफुल रिपोर्ट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय में भी कंडीशंस आपको लगानी है, तो रिमेम्बर जैसे हम वेयर लगाते थे वेयर में भी कंडीशन परफॉर्म करते थे, तो ये सिंगल रो फंक्शन है यानी कि एवरी रो पर आप परफॉर्म कर रहे थे, प्लेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रो, जबकि हैविंग क्या है वो एग्रीगेट फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, तो वेयर को आप एग्रीगेट फंक्शंस में यूज नहीं कर सकते, यानी कि आपने सम लगाया है वेयर लगाया सम लगाया है मिनिमम लगाया है मैक्स लगाया है एवरेज लगाया है काउंट लगाया है, तो आप वहां पर वेयर यूज ना करेंगे उन कॉलम्स पे जिन कॉलम्स पे आपने एग्रीगेट फंक्शंस लगाए, उन कॉलम पे आप क्या यूज करेंगे हैविंग, क्या यूज करेंगे हैविंग, तो जो हैविंग क्लॉज है
वो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। द सिंपल आर्ग्यूमेंट टू दैट इज वेयर क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज और वन रोज या मल्टीपल रोज बट इंडिविजुअल, वेयर एज हैविंग क्लॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ग्रुप और एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, तो हैविंग अप्लाइज कंडीशंस ऑन अ ग्रुप ऑफ रोज। ठीक है, इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एवरेज ले लिया, ठीक है, सम ले लिया और सब कुछ ले लिया, ग्रुप वाइज वगैरह कर दिया, लेकिन हैविंग ग्रेड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी ये कैलकुलेशन किया था, ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप जेंडर काउंट लगाया हुआ है और सब्जेक्ट ग्रुप जेंडर लगा दिया है, लेकिन मेरे को सिर्फ गर्ल गर्ल का चाहिए। इसमें बॉयज बॉयज भी आ रहे हैं, तो मुझे अब ये बॉय के रोज फिल्टर करने हैं, हटाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, हैविंग जेंडर इक्वल्स टू, फिक्स कर दिया मैंने क्या, 01 गर्ल ही चाहिए। सिर्फ गर्ल्स गर्ल्स का रिकॉर्ड आ गया, उसी में एग्रीगेट फंक्शंस लगा हुआ है, उसी में वही आ गया। या आपको सिर्फ बॉयज बॉयज का चाहिए तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड आप सिंपली जिस तरीके से चाहे, तो हैविंग कंडीशंस आप वहां पे लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए वेयर लगाता हूँ तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, वेयर अप्लाई नहीं किया, एरर आ गई। ठीक है, तो जब भी आप कोई यहाँ पर कॉलम्स में कॉलम की जो लिस्ट है उसमें अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं और नीचे ग्रुप बाई यूज कर रहे हैं, तो आप कंडीशंस में हैविंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैविंग, ताकि उससे वो फिल्टर आउट, सिंपल एज दैट। तो ये आप इस तरीके से इसको वर्क कर सकते हैं। नाउ दिस पार्ट ऑफ डेटाबेस एंड माई एसक्यूएल फिनिशेस हियर। नाउ वी विल परफॉर्म सम क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस देम, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग कनेक्टिंग इन पाइथन विद माई एसक्यूएल। देन वी विल सिंपली कनेक्ट पाइथन प्रोग्राम्स विद द माई एसक्यूएल डेटाबेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर दिस we have to perform some queries, some questions that are asked in sample question papers or pre-word questions papers, so or previous year's question papers, then we will simply perform that. Okay, so that's all for today. All the best.